आधी रात को भी अगर उठ के पानी पीएंगे तो हम क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। आधी रात को भी अगर उठ के पानी पीते हैं ना, उठ के पानी पीते हैं रात को, उस तब भी हम क्या करेंगे? हम 2 सेकंड रुकेंगे और उस पानी को कलयुग से सतयुग में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे हाथ पकड़ो ग्लास पानी का अपना, पकड़ो। ये हमेशा करना है, किसी के पास भी बैठे सामने बैठे हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसे करना है किसी को दिखाई नहीं, ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ती उसके, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। बहुत मॉड मॉड ऐसे आपने ग्लास अपने हाथ में रखा हुआ है, कोई सामने बैठा हुआ है, पहले बात कर रहे हैं सब, कोई बात नहीं। आप अपना अंदर से बैठे क्या करना है, हमें 2 सेकंड में संकल्प करना है। ठीक है, रेडी? पहला संकल्प, हम संकल्प कौन से डाल रहे हैं? जो कलयुग की वाइब्रेशन को क्या करेंगे, सतयुग की वाइब्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला संकल्प, बाबा की सर्व शक्तियां इस पानी के कण कण में है, ये पानी सतयुगी अमृत है। बोलो, ठीक है। दूसरा, मैं 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम सतयुगी देवता हूँ। बनने वाले को नहीं बोलना कभी, बनने वाले को बोलेंगे तो आने तक बनने वाले रह जाएंगे। अभी वो वाला युग गया, बनने वाले हैं, अभी क्या बोलना है? तीसरा, मेरा शरीर निरोगी कंचन काया है, कंचन काया क्योंकि वो पानी बॉडी पे इम्पैक्ट करने वाला है ना, और सतयुग की शरीर कैसा होता है? निरोगी कंचन काया है। ठीक है, और कौन कौन चाहते हैं कि हमारे से बाबा प्रत्यक्ष हो? ओके, तो पानी में डालेंगे, पानी में डालेंगे, मेरी सूरत से बाबा की सीरत प्रत्यक्ष होती है। विश्व की हर आत्मा कहती है, विश्व की हर आत्मा कहती है, क्या कहते हैं विश्व की हर आत्मा क्या कहती है? झटपट बोलना 3 सेकंड के अंदर, लेकिन हर पानी के ग्लास में डालना है, हर पानी के ग्लास में डालना है। जो चाय कॉफी पीते हैं उन्होंने उसमें डालना है, छाछ पीते हैं उसमें डालना है। मैंने क्या किया, सतयुग 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 संकल्प डाला, और सतयुग संकल्प डाल डाल के कौन सी एनर्जी को चेंज कर दिया, कलयुग से उसको सतयुग कर दिया। अब ये सब कुछ हम कहाँ कर पाएंगे, जब सतयुग यहाँ आएंगे उनको हम वैसा वाला पानी पिलाएंगे, पिलाएंगे ना वैसे वाला पानी, वैसे वाला पानी पिलाएंगे, वैसे वाला खाना खिलाएंगे कि आप सतयुग की आत्मा हो, आप बाबा के हाथ में बच्चे हो। तो जैसे ही वो खाएंगे पिएंगे, अब वो समय आ जाएगा, वो जाने से पहले ही बोलते कि हाँ मेरा बाबा हो जाए ना, फट फट देखो फटाफट बोला अभी काम सारा होना के नहीं। बाबा ने मुरली में कहा, सृष्टि की हर आत्मा करेगी मेरा बाबा। आपको लगता है ऐसा होगा, सृष्टि की हर आत्मा करेगी मेरा बाबा होगा? अभी तो अपने घर वाले नहीं कह रहे, अभी वो कहते तुम्हारा बाबा क्या बोलता है आज, अभी थोड़े दिन पहले बाबा ने बोला, कहते तुम्हारा बाबा क्या बोलता है, तुम्हारा बाबा क्या करता है। लेकिन भगवान के महावाक्य है, भगवान का एक भी महावाक्य ऐसे ही सिर्फ बोलने के लिए नहीं होता है। हम वही गाड़ी में बात कर रहे थे, बाबा ने मुरली में कहा, राष्ट्रपति भवन तुम्हारा घर बनेगा। 85-86 की उम्र, 83, अब सबने पढ़ी होगी वो मुरली इतनी बार, लेकिन जब पढ़ते थे राष्ट्रपति भवन तुम्हारा घर बनेगा तो क्या सोचा कि हाँ ठीक है जाएंगे वहां सेवा करने के लिए, थोड़ा और इजियर हो जाएगा जाने के लिए अगर घर बोल रहा है। लेकिन वो भगवान है, वो ऐसे ही नहीं बोलेगा। अगर इजीली जाएंगे तो वो ये बोलेगा कि राष्ट्रपति भवन में आप शहर जाएंगे सेवा करने के लिए। शब्द क्या था, राष्ट्रपति भवन तुम्हारा घर बनेगा, और वो घर बन गया। हमें लगता है जैसे हम ऐसा कैजुअल बोलते हैं, वो भी ऐसे कैजुअल बोलेगा, ऐसे कैजुअल भगवान बोल रहा है। उसका हर महावाक्य यू का तू वैसे ही सिद्ध होने वाला है एक्यूरेट। तो जब हम सुनते हैं बाबा ने कहा सर हर आत्मा कहेगी मेरा बाबा,
कहते हैं हाँ अंत समय में मेजोरिटी लोग मान ही जाएंगे। उसने मेजोरिटी नहीं कहा, उसने कहा विश्व की हर आत्मा कहेगी मेरा बाबा। वो कब कहेगी विश्व की हर आत्मा मेरा बाबा, जो बाबा के बच्चे सारे कैसे हो जाएंगे। अभी पिछले 3 दिन में ना मेरी तीर्थ यात्रा काफी हुई है इधर तक पहुंचते पहुंचते, जो मैंने ज्यादा कभी नहीं किए ज्ञान से पहले। बट हर जगह जाकर यह देखने को मिल रहा था कि 1 सेकंड की झलक के लिए, वो भी वो दूर खड़े होकर झलक के लिए, इतनी दूर दूर से आते हैं सब, व्हील चेयर पे आते हैं इतनी दूर से, सिर्फ वो उधर वो डंडे के पीछे 1 सेकंड के लिए खड़े होकर देखने के लिए, मतलब कितना सुख तो मिलता होगा ना आत्मा को, जो आत्मा इतनी दूर से क्यों आएगी। मैं तो बच्चे लेकर आने अपने माँ बाप को व्हील चेयर के ऊपर के भाई हमने दर्शन कराने लेकर जाना है। और लोगों का शब्द भी बहुत क्लियर है, हम दर्शन करने जा रहे हैं, उन्हीं बोल रहे हैं कुछ सीखने जा रहे हैं। हम क्या करने जा रहे हैं, हम दर्शन करने जा रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा आपको दर्शनीय मुहूर्त बन। अब ये भक्ति में क्यों आया ऐसा कि सब इतनी दूर दूर आएंगे और 1 सेकंड का सिर्फ दर्शन करेंगे और तृप्त हो जाएंगे, उनको बहुत सुख मिलता है और भगवान भी उनको उसकी शक्ति देता है, तभी वो आते हैं ऐसा। तो ये डेफिनेट है कि संगम युग के एंड एंड के क्षण, जब भी वो समय होगा, ये सीन अभी चलेगा, सीन चलेगा कि देवी देवताओं के 1 सेकंड के दर्शन से लोगों को भगवान की शक्ति का अनुभव होगा। और इसीलिए वो द्वापर युग से देवी देवताओं के दर्शन